हेलो स्टूडेंट्स, आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया था फिजिक्स में। उसी क्वेश्चन का ये 10वां नंबर क्वेश्चन। अ कबल हैज सिंगल वायर ऑफ रेडियस 9 mm ऑफ रेसिस्टेंस 5 ohm। इट इज रिप्लेस्ड बाय 6 डिफरेंट वेल इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ईच ऑफ रेडियस 3 mm। टोटल रेसिस्टेंस ऑफ केबल नाउ विल बी। हम लोग बिजली का केबल जानते हैं, बिजली का केबल घर में देखे हुए हैं। बिजली के केबल को अगर छीलते हैं उसके प्लास्टिक को, तो पता चलता है कि बहुत सारे उसमें वायर्स रहते हैं, इंसुलेटेड होते हैं। लेकिन पहले जब केबल में एक ही वायर था कॉपर का, उस समय कॉपर का वायर का रेडियस 9 mm था। अब जो है उसी को 6 डिफरेंट वायर्स में कन्वर्ट कर दिए, लेकिन प्रत्येक का जो रेडियस है वो 9 mm है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले के केस में रेडियस 9 mm था, दूसरे के केस में प्रत्येक का रेडियस 3 mm है। और आप लोग को पता होगा कि यदि केबल इस तरह से लपेटा हुआ है तो ये पैरेलल कम्बिनेशन में जाता है रेसिस्टेंस। और यदि इसका रेसिस्टेंस, एक का रेसिस्टेंस निकल जाएगा तो हम इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं। आप लोग को बताया गया है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बराबर एक रेसिस्टेंस है डिवाइड बाय जितने बार उसको पैरेलल कम्बिनेशन में लगाया जाता है। इस तरह से जैसे आपको ये सिखाया गया है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर निकालेंगे तो प्रत्येक का रेसिस्टेंस अगर दी आर है तो आर बाई 6 हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसमें पहले का रेसिस्टेंस R1 मान रहे हैं, दूसरे का रेसिस्टेंस R2 है, तो R2 बाई 6 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो हो जाएगा R2, जो भी आएगा उसका वैल्यू से हम 6 को डिवाइड कर देंगे। लेकिन यह भी बताया गया है कि रेसिस्टेंस 2 और रेसिस्टेंस 1, चूंकि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो यहाँ रेसिस्टिविटी देते हैं। लेकिन रेसिस्टिविटी चूंकि कोई भी मटेरियल्स का फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है, तो जब भी हम चेंज करेंगे लेंथ और एरिया चेंज करेंगे। तो ऐसे केस में आपको बताया गया है ये रिलेशन कि R2 डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू L2 बाई L1 इंटू A1 बाई A2। इसी फार्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो लेंथ चूंकि तो बराबर है, इसका वायर का और इसका वायर का लेंथ बराबर है, केवल एरिया चेंज हो रहा है। तो लेंथ जब बराबर, तो लेंथ लेंथ वाला कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ पे आ जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा R2 बाई R1 इक्वल टू A1 बाई A2। अब A1 क्या है, तो पाई R1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। अब R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, अब ये R1 कितना है 9 mm है, और R2 कितना है 3 है का होल स्क्वायर, यानी कि 3 3 9, तो 3 × 3 यानी कि 9। इसका मतलब है R2 बाई R1 का वैल्यू हो गया 9। तो R2 कितना है, तो 9 × R1 यही हुआ। अब 9 × R1 हुआ, अब R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो R1 का वैल्यू दिया हुआ है 5 ohm। तो 5 × 9 = 45, यानी कि 45 ohm इसका रेसिस्टेंस हो गया सेकंड में, और उसी 45 को यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दिए तो 7.5 आंसर आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन ई एंड टाउ एंड एम रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली, द रेसिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज। तो ये भी सीधा सा फॉर्मूला से रिलेटेड है। आप लोगों को फॉर्मूला का सीट दिया गया था, ये फॉर्मूला का सीट दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जानते हैं, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, यही है कंडक्टिविटी, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये रिलैक्सेशन टाइम है, ये मास है। हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस बराबर होता है रो एल बाई ए। अब हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर टू 1 बाई सिग्मा एल बाई ए। सिग्मा कंडक्टिविटी है, रेसिस्टिविटी का जस्ट उल्टा है। अब इसी को हम लोग लिख देते हैं, एल बाई ए तो यहाँ है, और यहाँ इसके जगह में पुट कर दिए एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई एम। तो ये एम अप साइड चल जाएगा, एम एल एन ई स्क्वायर टाउ, और यहाँ पे ए भी आ जाएगा क्योंकि एल बाई ए है ये, तो एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए, और यही इसका ऑप्शन बनेगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए, 11 क्वेश्चन का, एम एल एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। तो क्वेश्चन आप जो सॉल्व कर रहे हैं उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ये है, लेकिन बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। और भी इस तरह का वीडियो, छोटे छोटे वीडियो आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप इसको
देखिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा और धीरे धीरे आप आगे बढ़ें। कोई भी चीज़ को एकदम हम सीख नहीं पाते हैं, जब हम प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं, तभी हम सीखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।